इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अब निजी कार्यक्षेत्र में भी दिखाई देने लगा है और प्रधानमंत्री के चलाए जा रहे जनहित के कार्यों से प्रभावित होकर इंदौर की एक संस्था ने उड्डयन उद्योग की ओर एक कदम बढ़ाते हुए युवाओं के लिए एक बेहतर संस्थान की शुरुआत 3 साल पहले की। संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप उड्डयन योजना के तहत उड्डयन और परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक काम किया है। इसी से उड्डयन इंडस्ट्री में तेजी से विकास हो रहा है। कई नए एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, कई नई एयरलाइंस भी आ रही है, जिस रोजगार के बेहतर अवसर खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चलते हुए हमने ये फैसला किया है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को ट्रेन किया जाए ताकि उनके लिए नौकरी के अवसर खुले। इसी के तहत हाल ही में यानी कि 9 और 10 अप्रैल को डी फ्लाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रशिक्षित 60 विद्यार्थियों को इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट इंदौर वाया अहमदाबाद में इन फ्लाइट ट्रेनिंग को कराया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल नॉलेज से रूबरू कराकर हर छोटी से छोटी बारीकियों की पहचान कराना था ताकि विद्यार्थी अपने कार्य क्षेत्र में और कुशल नेतृत्व कर सके। इस ट्रेनिंग में मुख्य रूप से कैबिन क्रू, एयर होस्टेज, फ्लाइट स्टीवर्ड, कैबिन क्रू और ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ, होटल एवं ट्रेवल और टूरिज्म के छात्रों ने प्रशिक्षण लिया। डी फ्लाई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आशीष गौतम ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से सिविल एविएशन इंडस्ट्री का ग्रोथ काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इस सेक्टर में ट्रेंड प्रोफेशनल की मांग लगातार बढ़ने के साथ ही देश में लगातार नए एयरपोर्ट्स तेजी से खुल रहे हैं और उसी स्पीड से देश के एयरपोर्ट में यात्रियों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है, उसी हिसाब से जॉब की डिमांड्स भी बढ़ेगी। एविएशन इंडस्ट्री में कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टीवर्ड, कैबिन क्रू और ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ जैसे कई क्षेत्रों में नौकरी की अपार संभावनाओं से भरे इस फील्ड में युवा आकर्षक सैलरी पैकेज के साथ ही करियर की ऊंची उड़ान भर सकते हैं। साथ ही इस 2 दिनी लाइव इन फ्लाइट प्रशिक्षण के मुख्य प्रशिक्षक स्टेफी विल्मसन व अकेडमिक डायरेक्टर प्रमोद त्रिपाठी के सानिध्य में हुआ तथा इंस्टीट्यूट के द्वारा विभिन्न तरह की एक्टिविटी के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रशिक्षण व ट्रेनिंग के माध्यम से स्किल्ड कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। देखिए, ये इंस्टीट्यूट हमारा डी फ्लाई इंटरनेशनल इंदौर में विगत 3 वर्षों से संचालित है और हमारा जो फोकस है वो है उड्डयन उद्योग की तरफ। जो एविएशन इंडस्ट्री में जो बच्चे एयर होस्टेस, एयरपोर्ट ग्राउंड ड्यूटीज में जाना चाहते हैं, उसके लिए हम उनको प्रॉपर ट्रेन करते हैं ताकि वो इंडस्ट्री में स्किलफुल होकर एब्जॉर्ब हो सकें। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी, उनके विजन के अनुसार जो उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत उड्डयन को, पर्यटन को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, इसके कारण उड्डयन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। बहुत ज़्यादा नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए एयरलाइंस आ रहे हैं और इस दिशा में रोज़गार का भी बहुत ज़्यादा क्रिएशन हो रहा है। तो उनकी बातों, उनके नेतृत्व और उनके पद चिन्हों पर हम चलते हुए हमारा ये मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड युवाओं को ट्रेंड करें और उनको रोज़गार प्राप्ति के लिए इस इंडस्ट्री में प्रोत्साहित करें और प्रशिक्षित करें। इसी तारतम्य में हमने अभी विगत 9 और 10 अप्रैल को हमने रियल इन फ्लाइट एक्सपीरियंस ट्रेनिंग का आयोजन किया, जो इंदौर एयरपोर्ट से अहमदाबाद एयरपोर्ट तक हमने इंडिगो के साथ फ्लाइट में बच्चों को हम लेके गए। करीब 50 बच्चे हमारे साथ गए और उन बच्चों को हवाई जहाज़ के अंदर का माहौल, एयरपोर्ट कैसा होता है, एयरपोर्ट में कैसे काम होता है, वहाँ हर चीज़ की बारीकी से जानकारी हमारे और कंपनी के स्टाफ द्वारा दी गई। साथ ही बच्चों को 3-स्टार होटल में कैसे ले ओवर में रुकना होता है, वहाँ पर कैसे खाने के डाइनिंग एटिकेट्स होते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी के क्या लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, ये सारी ट्रेनिंग हमने बहुत बारीकी से दी। साथ ही
ट्रैवल एंड टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए बच्चों को हमने वहाँ साइट सीइंग कैसे मैनेज करना, ग्रुप टूरिज्म कैसे मैनेज करना, इन सारी बातों को हमने वहाँ पर प्रॉपर उनको प्रशिक्षण दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये लाभ हुआ कि बच्चों के अंदर जो एक विडंबना थी कि हम कर पाएंगे, कभी हमने एयरपोर्ट नहीं देखा, कभी हमने हवाई जहाज नहीं देखा तो हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों का जो डर था वो निकल गया। अब वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे ये जो बैच के बच्चे गए हैं ये 100% निकट भविष्य में इंडस्ट्रीज में प्लेस्ड होंगे।